में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन मंडलायुक्त सभागार में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। सहायक अध्यापकों में चयनित हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को शुभाशीष देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त अध्यापकों से वार्ता की गई। वहीं मंडलायुक्त सभागार में जनपद के विभिन्न प्रतिनिधियों व उच्च अधिकारियों के साथ प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने सहायक अध्यापक में चयनित 6 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला समन्वयक अधिकारी विवेक जायसवाल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आज जब ये प्राप्त हो रहा है, शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले ये खुशी बेसिक शिक्षा विभाग आपके जीवन में ला रही है, मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ आप सबको। और मुझे लगता है यही खुशी अब आपके जिम्मे है। प्रदेश के 1,80,00,000 उन बच्चों के जीवन में लाने के लिए, जिन बच्चों के लिए शासन आपकी सेवा को लेने जा रहा है, और इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं बार बार शिक्षा मित्रों से कार्य आग्रह करता कि देखिए आप लोग मेहनत करिए, कार्य करिए, आपको हम अवसर देंगे, किसी न किसी रूप में करेंगे। जिन लोगों ने मेहनत किया, यानी 31,227 में से 6,675 आपने क्या किया था और जी आपने कविता कुमारी गौर हाँ नमस्ते कविता जी हैं ये आभा चतुर्वेदी है कविता महोदय कविता यहाँ आप हैं yes, आपने क्या किया है 2014 बैच किया बीटीसी है yes, आज आपको जो है देखिए आज जो है नाम क्या था कि आप सबका भविष्य अंधकार में हो गया yes, आप कब से शिक्षा मित्र हैं 2004 से 16 साल आप लोगों ने शिक्षा मित्र के रूप में काम किया जी और इसीलिए कोर्ट का फैसला आया कि शिक्षा मित्रों को निकालो, हमने कहा भी हम निकालेंगे नहीं, इनका मानदेय कुछ बढ़ा करके इनसे काम लेंगे जी। और फिर हम लोगों ने इस बारे में अपील की कि भाई इनको वेटेज दे करके अगर ये लोग योग्य है तो हम इन्हें शिक्षक के रूप में ही मिस्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, सर देश दीपक, सन ऑफ श्री रामायण चौरसिया, जिसके अंतर्गत 241 मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया। जनता पार्टी में योगी जी की सरकार आने के बाद में तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, किसी न किसी रूप में लोगों को चयनित करके व्यवस्था की जा रही है। जनपद गोरखपुर को जो मिल रहा है 599 शिक्षकों की नियुक्ति हुई हो रही है, सबको अभी बांटा जा रहा है। पूरे प्रदेश में 31,227 लोगों को
शिक्षा मित्र के माध्यम से या अन्य माध्यम से आज पूरे प्रदेश भर में आच्छादित किया जा रहा है। तो अभी तक कमियां थी वो पूरा किया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार ने तय किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी और दुल्हन बन के फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। इसी व्यवस्था को करके हम लोग आ जा रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहते हैं, आइए हम मिल करके इस प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी और मोदी जी की सरकार है, उसमें आप सबका भी आह्वान चाहते हैं। आइए हम मिलकर के उस आगे बढ़ें। परिषदीय विद्यालयों में प्रदेश भर से चयनित